हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगे में कौन वीडियो के साथ वापस। तो आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं ग्रैंड वाटर फिशिंग। और गाइस, मेरा पांचवा स्टार लगने के लिए मेरे को टोटल स्कोर चाहिए भाई 13। मतलब एक मैच अगर मैं भूया निकालता हूं तो मेरे को 13 पॉइंट मिलते हैं और हमें 13 ही चाहिए। और आपके कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे कि भाई फुल मैच दिखा। तो अब आप देखना चाहते हैं तो जरूर दिखाएंगे। और मेरे पास भाई डबल आरपी टोकन तो एक भी नहीं है, लेकिन नो ड्रॉप आरपी कार्ड जो किसी इवेंट में आया था, आपको पता है शायद से कोई मिशन पूरा करने पे मिलना था, वो मैंने लगा लिया भाई, क्योंकि थोड़ा सा हम रश में शायद से खेलें, मेरा मन था भाई, लेकिन मैंने वैसे ही लगा लिया। मैं लगा लेता हूं भाई, ये खराब जाता ही नहीं। ये खराब तब जाता है जब आपके माइनस लगते हैं, और तो आपको तो पता ही है मेरे माइनस कितने लगते हैं, ना के बराबर। मतलब जब लगते भी हैं एक दो लगता है और वो चल जाता है सिस्टम इतना ही। और जब मैं ये इसको लगा के जाता हूं तब भाई मेरे कभी माइनस नहीं लगता ऐसा। तो चलो गाइस, अभी टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा मैच मेकिंग में ही, क्योंकि मैच मेकिंग भाई 1 मिनट 40 सेकंड पे स्टार्ट होती है। तो अभी मैं बीच का पार्ट कट करके आपको सीधा लॉबी में ले चलता हूं। और भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैं क्लासिक का गेम प्ले दिखा रहा हूं, आपको ऊपर चेक करके दिखा दूंगा मैप वगैरह खोल के। और भाई लास्ट में आपको दिखाता तो सही हूं यार, लेकिन फिर भी भाई कुछ बंदे बोलते हैं आके क्लासिक की गेम प्ले दिखा रहा है, इतने बुया रैंक में नहीं निकलेंगे। भाई जाके रीजन में चेक करो, विंस में कौन ऊपर चल रहा है, टॉप 40 नंबर पे चल रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ट्रिक को यूज कर रहे हैं। और जहां पे भाई अभी मैं बंदे चेक कर रहा था, अब चेक कर लो भाई कैसे कैसे बंदे आ रहे हैं। अभी भाई सभी के सभी इतने बॉट तो बिल्कुल नहीं दिख रहे कि मैं सबको मार दूंगा, आपको खुद पता है। लेकिन भाई मैं जब अपना दिमाग लगाता हूं ना, मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता हूं कि बंदा भाई खुद भी खुद मर जाता है। मतलब इतने ज्यादा चांस होते कि बंदे के मरने के। फिलहाल के लिए भाई अभी चलो, प्लेन निकल चुका था और मैं उतरने वाला था भाई बिल्कुल लास्ट में रिमना ब्लेज। क्यों? क्योंकि भाई जो रशर होते हैं, मतलब डायमंड 4 के होते हैं, प्लाटिनम के होते हैं, वो बंदे तो भाई मेरे लेवल के होंगे, लेकिन भाई उनकी लीग लो होगी, मतलब पुश नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बंदे मेरे लेवल के होंगे, मतलब मेरे को उड़ाने के लायक होंगे भाई। तो वो सभी के लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले आते हैं, मतलब जो घर आते हैं उनसे इतना टाइम वेट किया ही नहीं जाता, तो वो सबसे पहले जंप कर देते हैं और सबसे पहले लड़के अपने आप ही मर जाते हैं। जो लास्ट के बंदे होते हैं वो सर्वाइवर होते हैं, वो आपस में भाई फाइट भी नहीं लेते, मतलब छुप छुप के खेलते हैं मेरे जैसे। जैसे अभी मैं जा रहा हूं, अभी भाई प्लेन में टोटल 3 बंदे बच रहे थे, 3 में सिर्फ एक का चांस था, मतलब एक ही बंदे का चांस थे जो मेरे साथ आएगा। आप खुद देख सकते हो, अभी एक ही मेरे सामने से गया, मतलब सामने से निकला, वो इतनी जल्दी इसलिए निकल गया शायद से, उसके पास फाल्को वगैरह था इसलिए शायद से इतनी जल्दी निकल गया और थोड़ा सा ही मैप में आया। और भाई मैंने मैप खोल के रखा था, आपको पता चल रहा होगा कि भाई रैंक गेम था यार, प्लीज ऐसे मत किया करो यार, इतने प्रूफ दे रखा हूं। और कई लोग तो भाई अभी जो न्यू सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं वो बंदे बोल रहे भाई तू डबल आरपी टोकन यूज कर रहे हैं। भाई सीजन 19 से मेरे पास डबल आरपी टोकन नहीं है, नहीं सीजन 19 छोड़ो भाई, सीजन 17 से मैं पुशिंग कर रहा हूं और सीजन 17 से रो रहा हूं भाई मैं, मतलब मेरे पास डबल आरपी टोकन है ही नहीं, सीजन 17 से रो रहा हूं। तो आपको कितने प्रूफ दूं मेरे को ये नहीं पता, लेकिन चलो कोई नहीं, आते रहते हैं ऐसे, सभी चलता रहता है, तो इनको इग्नोर करते हुए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको तो पता ही है वैसे तो जो रेगुलर देखते मेरे को कि भाई मेरे पास डबल आरपी टोकन नहीं है। और भाई हमें मिल चुकी थी कॉड और M11 ज्यादा ही कुछ लगा दिया भाई, सॉरी M1887। तो ये दोनों मेरे को बिल्कुल घटिया लगती हैं गन भाई, ऐसे जो डबल बैरल शॉटगन के लवर होंगे वो बोलेंगे ए कुत्ते इससे बढ़िया कोई गन नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन भाई मेरे से ये चलती नहीं है, पता नहीं क्यों यार। अगर बंदे के पास लेवल 3 का वेस्ट या 4 का भी होगा, मैं बंदे के 6 शॉट मार दूंगा तब भी बंदा नहीं मरता भाई मेरे से। फिलहाल के लिए आपको मैं कुछ भाई गेम प्ले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं पहले ही, और भाई आप बोर ना हो इसलिए। भाई मैं लूट कर रहा था नीचे रिमना विलेज में पूरे में, मतलब जहां पे कोई बंदा है ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है स्कैन वॉच में सिर्फ एक आया था जो कि भाई रिमना विलेज के बिल्कुल पीछे चला जा चुका था, और उसको हम भाई पूरी लूट करने के बाद फिर मारेंगे। और अभी बात कर लेते हैं भाई मैं जो बात कर रहा था M1887 स्किन की। भाई जो न्यू स्किन आई है ना वो भाई मेरे को लगभग फ्री में मिलेगी, कैसे आपको भाई मैं स्पेशल वीडियो बना के दिखाऊंगा भाई मेरे को कैसे फ्री में मिलेगी। वैसे तो भाई इतने ज्यादा डायमंड कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, लेकिन मेरे को भाई लगभग फ्री में मिलेगी, आपको दिखाऊंगा। मैं कभी क्लिकबेट किया भी नहीं हूं और ना करूंगा, और भाई अभी भी नहीं कर रहा, आपको स्पेशल वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसमें लिखूंगा भी नहीं भाई ये फ्री है, लेकिन आपको दिखाऊंगा, आप जरूर चेक करना भाई मेरे को वो कैसे फ्री में मिली। आप भी ले सकते हो यार, आप भी बहुत ज्यादा टॉप अप कर सकते हो फ्री में, मैं आपको दिखाऊंगा, वो लीगल वे है भाई, उससे कोई हैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब इजी वे है, सबसे सेफ है, आप ले सकते हो, मतलब टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर, ये मेरी गारंटी है भाई। मैं आज तक यहीं से करता आया हूं, मेरी गेम में जो ये आईडी है इसमें भाई मेरे को सब कुछ लगभग फ्री में मिला हुआ है, लगभग भाई हद में मैंने ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए उड़ाए हैं, लेकिन फिर भी मेरी कलेक्शन इतनी अच्छी है कि भाई मैं आराम से प्रो बंदों को उड़ा सकता हूं। तो चलो भाई वो तो हो चुका है शॉटगन की बात, अभी भाई जहां पे मैं आ चुका था और जो लास्ट का बंदा था, नहीं लास्ट का सॉरी, जो बंदा था हमारे साथ आया था वो सामने है।
तो तुम्हारा भाई पूरा रेडी हो चुका था इसको मारने के लिए। भाई इसको मारूंगा मैं कैसे आपको मैं अभी बता देता हूँ। भाई मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि बंदे को कैसे इजीली मार सकते हैं हम। अभी भाई वो जो बाके वो मेरे सामने से आएगा ना, मतलब जब वो आ रहा होगा तो वो भाई नीचे होगा मेरे से, मैं ऊंचाई पे होगा। अगर मैं उस पर फायर करूंगा तो उसके हेड लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। भाई तुम्हारे भाई को एक के ज्यादा चलाने आती है। और स्कार देखो यार क्या बोलूं अभी मैं, आप बोलते रहते हो ना अभी भाई स्कार उठा, M4A1 उठा, एक एक के बिना कोई और तो गन उठा। लेकिन अभी देखो ना यार 21-21, 11-11, मतलब क्या अभी बेस्ट देख लेना, उसके पास बेस्ट भी इसका इतना ढंका नहीं है तब भी इतनी कम की डैमेज आ रही है। भाई 21-21 के कितने शॉट मार दिए, लेकिन अगर मेरे हाथ में एके होती तो भाई पहले 4 शॉट में इसको खत्म कर देती। फिलहाल के लिए भाई बंदे को डैमेज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और बंदे के पास भाई ग्लू वॉल बिल्कुल नहीं थी, तो मर गया बेचारा भाई, कुत्ते की मौत मरा भाग भाग के। शायद से रैंक पुशर था इसलिए इतनी पीछे आया और इसके माइनस बहुत गंदे तरह लगे। भाई सॉरी यार, भाई क्या कर सकते हैं अभी, भाई चैलेंज है, सब कुछ चलता है यार। अभी मेरे को भी प्लस करने दे। अभी देख लो भाई लेवल 2 का वेस्ट था लेकिन फिर भी इतनी कम डैमेज। भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और गन्नों पे, लेकिन चलो कोई नहीं, हमें यार एक के चाहिए थी अभी और हमारे पास भाई वो मिल चुके थे, क्या बोलते हैं उसको, वेंडिंग मशीन के टोकन। अभी सबसे पहले तो भाई मैं जो मेरी जान है जिसको बोल सकते हैं हम एक के, तो भाई वो लेने वाले हैं। और सबसे पहले भाई सामने एक वो मशरूम थे जो हम लेने वाले हैं। मशरूम लेने के बाद अभी मैं पूरी की पूरी लूट कंप्लीट करने वाला था और मेरे पास बेस्ट भी लेवल 2 का था। और बेस्ट भाई जरूरी है रैंक में, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि बंदे के डैमेज बहुत ज़्यादा कम पड़ती है और हम चांस हो सकते हैं हमारे, मतलब छुप सकते हैं, ग्लू वॉल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट नहीं होगा तो आपके 2 ही शॉट पड़ेंगे, किसी भी गन के पड़ेंगे 2 ही, तो आप वहीं पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट और हेलमेट अच्छे ढंग के हैं तो आप बच सकते हैं और आप कवर लेके आप हील वगैरह कर सकते हो, भाग सकते हो, फाइट भी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वेस्ट और हेलमेट नहीं है तो आप इजीली मर सकते हो। तो तुम्हारे भाई ने अभी एके ले ली और एके के साथ ले लिया 4x। भाई 2x तो थोड़ी कम डैमेज करता है क्योंकि उसकी जूम कम होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बंदे भाई 2x यूज करते हैं, पता नहीं क्यों भाई 2 करते हैं। लेकिन आप 4 चला के देखना तो सही भाई एक बार, इतनी डैमेज करता है ना 4x, आपको क्या बताऊं। भाई अभी मैं रिमना ब्लेज से भागता भागता पूरा क्लॉक टावर भी लूट आया, लेकिन मेरे को एक भी बंदा नहीं मिला। भाई मैं लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, सॉरी कोई ना। तो भाई अभी मैं जहां पे आ चुका था और मेरे पास भाई टोटल 3 ग्लू वॉल थी और अभी मैं एक और बनाने वाला था क्योंकि अभी जोन चल रहा था, तो लास्ट फाइट के लिए हमें ग्लू वॉल की और जरूरत थी। तो मैं सबसे पहले जहां पे आके बैठा और मैंने 2 ग्लू वॉल निकाल के रख दी। तभी भाई मिस्टर बैगर ने 100 सेकंड के बाद मेरे को एक और ग्लू वॉल दे दी और मेरे पास टोटल 4 ग्लू वॉल हो चुकी थी। अभी भाई मेरे टोटल 11 बंदे अलाइव थे, मेरे को मिला के 12 थे टोटल और अभी तक हमारा एक ही किल था। हमें भाई टोटल 3 किल चाहिए थे, 3 किल के बाद हमें 13 प्लस मिलेंगे। तो अभी भाई थोड़ा सा और टॉप में आने के बाद हम पूरा रश खेलने वाले थे। रश तो अभी भी चल ही रहा है, मतलब ओपन एरिया में तो अभी भी घूम ही रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही रश करने लग जाएंगे तो भाई खुला ओपन में हो जाएंगे क्योंकि हमें 13 प्लस चाहिए। तो मैं ये सोच के चल रहा था और मेरे पास भाई वेंडिंग मशीन के 2-3 टोकन पड़े थे, तो मैं जा रहा था उधर वेंडिंग मशीन की ओर लेने के लिए। पहले तो भाई मैं सीधा निकलने वाला था कि मैं जोन में जाता हूँ, लेकिन भाई तभी जहाँ पे मेरी लॉटरी लग गई भाई, अभी देखना 2 बंदे फाइट कर रहे थे और मैंने एक के फायदा उठा के, अभी देखो भाई पहले स्कार चलाई थी, स्कार से तो बंदा नहीं मरा लेकिन इसको तो मैंने इजीली उड़ा दिया। अभी देखो भाई वो मॉन्स्टर ट्रक वाला, उसने भाई शायद से मैक्सिमम लगा रखा था क्योंकि उसको मैंने 200 से ऊपर डैमेज करी तब जाके वो मरा। जे बंदे 2 खत्म किए और इनको अभी लूटने जा रहा हूं मैं। भाई जहां पे मैं मतलब गलती से आया, मतलब बेंडिंग मशीन के टोकन की वजह से आ रहा था, मेरे को फ्री में 2 किल मिल गए। अभी 2 नहीं, अभी रुकना, अभी देखना, अभी एक और आएगा भाई, उसका भी किल उठा के जाएंगे। और इसके पास भाई बेंडिंग मशीन के कुछ और टोकन पड़े थे, तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं जाके ना जो UAV होता वो ले लूं। तो भाई तुम्हारा भाई जहां से जा रहा था तभी भाई किसी ने ग्रोजा से इतना भर दिया मेरे को, मैं आपको क्या बताऊं भाई, मरने वाला था। अभी कुछ जोन भी भाई मेरे को क्रॉस कर चुका था और सामने भाई एक P90 चला रहा था जो भाई सामने वाले बंदे पे चला रहा था जिसने मेरे पे ग्रोजा चलाई। अभी भाई मैंने मतलब जो बॉनफायर थी हमारी वो मेरे काम आ गई, मैंने लगा ली क्योंकि मेरे पास मेडिकेट लगाने का टाइम नहीं था। अगर भाई मैं मेडिकेट लगाता तो भाई मेरा बेस्ट रिपेयर ना होता और मैं यहीं पे खत्म होने वाला था। अगर मेरा बेस्ट रिपेयर ना होता तो उसके 2 शॉट मेरे को किल कर देते भाई इजिली। और भाई वो भाग के पीछे को आ गया था और मेरे को पता था भाई वो बाहर निकल गया, क्यों? क्योंकि भाई मेरे ईयरफोन से पता चल गया था मेरे को पता चल जाता है। तो तुम्हारा भाई पहली जोन से ऊपर चढ़ गया और उसको खत्म कर दिया। तो चलो अभी भाई लास्ट का जोन भागते हुए जा रहा था और तुम्हारे भाई के भाई तुक्का लगा के, मतलब इधर बंदे मिल गए थे, देखो कितने इजीली पहले भाई मैंने, ऐसा लग रहा था कि बॉट हैं, लेकिन बॉट इनमें से कोई नहीं था। आपको पता ही है कितनी मूवमेंट दिखा रहे थे भाई, सब बोलते हैं बॉट हैं, बॉट होते नहीं है लेकिन वो हो जाती हैं हरकतें कभी कभी, मतलब जो सर्वाइव करते हैं उनको पता चल जाता है कि कैसे कैसे पुश करना है। लेकिन हाँ भाई बंदे मर छिती जाते हैं, ये बहुत मतलब घटिया बात है हाई लीग में।
उतरते ही भाई इतने बंदे मर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब सारे के सारे खाली हो जाएंगे। लगभग लास्ट में ही जाके आपको 10 बंदे मिलेंगे जिसमें से आप इजिली 2-3 किल करके आप बुया ले सकते हो। लेकिन भाई वो भी दिमाग से लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई जब टॉप 2 में भी जाके आप मर जाओगे ना तो आपके तब भी माइनस लगेंगे आपके अगर किल ना हो। भाई टॉप 2 में भी मेरे माइनस लगते हैं, आप खुद सोच सकते हो। और भाई पूरे मैप में मैंने ढूंढ ली, मेरी M10 कहीं पे नहीं मिली, और जहां पे मेरे को इतनी ज्यादा खुशी मिली भाई ये M10 उठा के, मैं आपको क्या बताऊं भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। बस मेरे को भाई इतनी ज्यादा खुशी मिली M10 उठा के, क्योंकि भाई M10 मतलब बंदे के 5 शॉट लगा दो बंदा खत्म हो जाता है यार, 4 शॉट भाई, 4 शॉट से तो इजिली खत्म कर देती है। लेकिन जो डबल बैरल शॉट गन है उसके 2 शॉट अगर बंदे के अच्छे से लग गए तो बंदा खत्म, नहीं तो आप खत्म, इसका ये चांस होता है। इसीलिए मैं वो स्किन निकालने की ट्राई कर रहा हूं और वो मेरे को फ्री में मिल रही है, आपको बताया भी, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली तो जरूर देखना, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई उसकी। तो मैं तो भाई अभी मेरे अलावा टोटल 5 बंदे और अलाइव थे और उनको ढूंढ के खत्म करना था, खत्म नहीं करना था, अभी जस्ट एक बंदे के मरने की और वेट करनी थी, उसके बाद भी मेरे को 13 प्लस मिलने वाले थे। अभी इस टाइम पे भाई तुम्हारे भाई का फोन इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि उस पे आमलेट बना लो भाई, मतलब 4GB रैम का फोन था, 64GB स्टोरेज है, ऊपर से भाई इतनी हाई क्वालिटी में आप रिकॉर्डिंग करोगे और हाई मतलब जो ग्राफिक होते हैं उसमें खेलोगे तो भाई ये तो मरने वाला ये काम है। अभी हैंग हो रहा था, मैंने ऊपर से भाई गेम बूस्टर निकाल के अपना थोड़ा सा रैम क्लियर किया, अभी थोड़ा सा चलने स्टार्ट हुआ था दोबारा, और भाई मैं बीच बीच में 2-3 बार जहाँ पे बिठा के मतलब 3-3 बार पार्ट में कट करके ये रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट की थी, लेकिन भाई हो गई, मतलब भगवान की दया से चल रहा है यार, बहुत खतरनाक फोन है हमारा भी, 4GB में रिकॉर्डिंग चलती है। तो भाई रिकॉर्डिंग करके ना भाई जब मैं रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ तब तो गेम प्ले भाई इतनी खास जाती नहीं, इसलिए दिमाग से खेलना पड़ता है मेरे को, लेकिन गेम प्ले है इतनी ज़्यादा खास है भी नहीं, जो मर्जी लगा लो यार, बॉट हूँ मैं एक नंबर का। तो भाई अभी मैं ये ड्रॉप चेक कर रहा था कि मेरे को लेवल 4 का वेस्ट मिल जाए, क्योंकि लेवल 4 के वेस्ट पे भाई बहुत ज़्यादा कम डैमेज पड़ती है, लेकिन कोई कुत्ता उठा के पहले भाग गया और लेवल 3 का छोड़ के चला गया जहाँ से। और भाई सामने एक बंदा दिखा था जिस पे मैंने थोड़ा सा फायर किया और उसको सिर्फ 11 की डैमेज आई, बाकी उसके 2-3 जो गोलियाँ थी वो पैन पे लट गई, और भाई उस बंदे ने लगा ली ग्लू वॉल। अभी जहाँ पे मैं बैठा ही था तभी मेरे को भाई राइट साइड में एक घर से घर की ओर भागता हुआ एक और बंदा दिखा, इसकी तो भाई HP कम से कम 25-30 होगी, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब एक शॉट अगर एक और लग जाता ना भाई इसके तो भाई ये जहीं पे खत्म था। अभी मेरे को भाई बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि इस पे मैं रश करूँ, इसको खत्म करूँ यार, भाई इतनी डैमेज अगर किसी पे हो जाए आपको खुद पता है कि हमें यार ये किल किसी और को नहीं जाना चाहिए, बस ऐसा हो जाता है, मतलब मन हो जाता है। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि वो जहाँ से पीक देगा तो उसे मैं इजिली हेड मार के किल कर दूंगा, भाई वहाँ पे सामने मेरे पेड़ आ रहा था तो मैं आगे एक और पेड़ पे आ गया, लेकिन तभी भाई किसी ने UAV छोड़ दिया और मैं UAV ढूंढने लगा, क्योंकि भाई मेरे को अपनी लोकेशन बिल्कुल नहीं बतानी थी बंदे को, और मैं UAV देख ही रहा था तभी भाई UAV अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया, पहले तो भाई दिखा ही नहीं कहाँ है यार, और उसके बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बाद भाई सामने फाइट हो चुकी थी और एक बंदा मर चुका था। अभी इससे बढ़िया चांस तो कोई हो ही सकता, भाई जोन चल रहा है और ऊपर से वो डैमेज हो रखे हैं और जोन भी उनको भगाएगा, और तभी भाई मेरे पे पीछे से किसी ने फायर किया, लेकिन मैं फोकस करने वाला था सामने वाले पे, इसको छोड़ो यार ये तो बाद में भी मिल जाएगा। तभी भाई वो बंदा जोन से भागता हुआ बेचारा आ रहा था और मैंने इजिली टाइम देख के उसको किल कर दिया। अभी भाई हम बच रहे थे हमारे अलावा टोटल 2 बंदे और उनकी लोकेशन में से एक के तो मेरे को तो कन्फर्म पता था जिसने मेरे पे फायर किया था, लेकिन वो लोकेशन चेंज भी कर सकता था इसलिए मैं उसको एग्जैक्ट नहीं सोच सकता था कि वो बंदा वहीं पे होगा, क्यों भाई मेरे जैसे दिमाग वाला बंदा होगा तो भाई लोकेशन पक्का चेंज करेगा, अगर मैं उसकी जगह होता भाई मैं ग्रांटेड एक बार फायर करने के बाद लोकेशन जरूर चेंज करता। अभी देखो मैं घर के बीच में से उनको लग रहा होगा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा भाई कहीं और से घूम के, और थोड़ी बहुत हमने एमओ वगैरह और उठा ली थी, अभी भाई एमओ तो कुछ ज्यादा ही पड़ी थी और हम ग्लू वॉल तोड़ तोड़ के इनको उड़ाने वाले थे। अभी भाई जोन भी चलने वाला था लेकिन मेरे को अभी लोकेशन नहीं पता थी, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। अभी पूरा का पूरा दिमाग लगा के जितना होल्ड कर सकते थे हम होल्ड करके इनको मारने वाले थे। तो सबसे पहले अभी मैं जहाँ पे पेड़ पे आया, लेकिन अभी भी मैं जोन से थोड़ा थोड़ा बाहर ही रहूंगा, क्यों? क्योंकि जब तक मेरे को उनकी लोकेशन नहीं पता चलती। तभी भाई अभी किस्मत देखना तुम्हारे भाई की कितनी खतरनाक है, वो दोनों आपस में लड़ पड़े, मतलब दोनों की लोकेशन एक टाइम पे ही पता चल गई। अभी मेरे को लग ही रहा था कि मैं दोनों को उड़ा दूंगा, लेकिन एक बंदे ने क्रोनो लगा लिया जो कि एलिमिनेट हो गया, और दूसरा भी जोन से एलिमिनेट हो गया, मतलब इजिली बुया दे गए भाई मेरे को यार, किल मेरे को दे देते एक आदि यार, क्या है एलिमिनेट क्यों भाई, बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका था। चलो यार कोई नहीं, हमें 13 प्लस मिल चुके हैं यार, देखो 5-स्टार इजिली ग्रैब किया हमने, वो भी सोलो में बिना ड्रम डैमेज बिना हैकर मतलब कुछ भी नहीं किया, पूरे के पूरे जितने मैच मेरे प्रोफाइल खोल के चेक करो एक भी मैच भाई डुओ या स्क्वाड का नहीं है, हमने भाई पूरे के पूरे मैच सोलो खेले और हमने हीरोइक 5-स्टार कर दिया, और ऊपर से हमारे पास डबल RP टोकन नहीं है, जो बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर है भाई 1000 से उनको तो पता ही हमारे पास डबल RP टोकन नहीं है, और भाई टोटल 8000 पॉइंट है, 8000 पे ही 5-स्टार है, और कितना अच्छा लग रहा है यार। और
और ये नल्ला कार्ड फिर से बच गया यार, ये फिर से माइनस नहीं हुए मेरे, इसको खराब कर दूंगा यार, नहीं तो बोलेंगे जहाँ पे प्लस का साइन आता तुम्हारे पास डबल आरपी टोकन है, तो इसे खराब जरूर करूंगा मैं। तो चल गाइस ये थी आज की सारी वीडियो, और भाई ब्लॉग बहुत ज्यादा जल्दी आने वाला, आपके कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे अपना घर दिखाओ घर दिखाओ, मैं तो अपनी फर्स्ट पेमेंट ही दिखाने वाला था लेकिन कोई नहीं, आपके कमेंट बहुत आ रहे थे, मेरे को हेटर से डर लग रहा है कि अपना छोटा सा घर दिखा के सब्सक्राइबर गेन करना चाहता है, चलो कोई नहीं आप बोल रहे तो जरूर दिखाएंगे, आशा कर दूं आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।